हे फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा सा टाइम नहीं है, ऑफिस से घर, घर से फिर थोड़ा सा एग्ज़ाम्स वगैरह है नेक्स्ट मंथ, उसमें थोड़ा सा जो टाइम निकल पाता थोड़ा बहुत उसके चक्कर में लग जाना, बस यही सब है। और बस थोड़ा सा बस बाकी जो मैंने बीच बीच में क्लिप्स बनाया वो मैंने शूट करा हुआ है, वो सब मैं आप आगे जा कर देखिएगा। और बस यही बात है और कोई ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा उन बीच तबीयत ख़राब थी, तबीयत ख़राब होने के बाद फिर बहुत ज़्यादा वीजी शेड्यूल हो गया था, उसके बाद फिर मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह आ गया और बस थोड़ा सा ऐसे मन भी नहीं था बनाने का, आलसपन लेजीपन बोलो, बस यही है। बाकी आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, आगे चल करके देखिएगा आप लोग अब मैंने क्या किया इतने दिनों में। एंड फिर आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। ज्योति ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज का ब्लॉग इस प्रकार है कि ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, अजीब सा लग रहा है, पता नहीं, मैं बता नहीं सकती। तो आज मैं छुट्टी भी है ऑफिस की, तो मैंने अभी ऐसे अजीब से हो रहा था, मुझे लगा कि कुछ होने से अच्छा है कि पहले डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने गंगाराम में भी अपॉइंटमेंट लिया है, मैं निकल रही हूँ, मैं और सोनी, उसके बाद देखते हैं क्या डॉक्टर बोलता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग हॉस्पिटल आ गए हैं। इससे हंसी इसलिए आ रही है कि घर से लेकर के यहाँ तक गंगाराम हॉस्पिटल तक बिना हेलमेट के आई और मुझे पता अभी चला, और रास्ते में कितने सारे ट्रैफिक पुलिस मिले बस, और बोल रही कुछ हुआ थोड़ी है, इसको हंसी भी आ रही है, वेरी फनी। अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। सो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 9:45, मेरे बाल कैसे हो रखे हैं। तो हम लोग आ गए हैं मूवी देखने सेक्टर द्वारका क्या बोल रहे, कुछ नहीं पता, द्वारका सेक्टर 12 सिटी सेंटर है ये, मेट्रो के नीचे है, और हम आए हैं मूवी देखने PS2। मुझे बहुत ज़्यादा पागल सी हो रही थी, क्रेजी टाइप की हो रही थी कि मुझे देखना है, तो फिर क्या, मैं इनको लेके आ गई और हम लोग आ गए। चलो लेट्स गो, देखते हैं कैसी मूवी है, हमने तो बहुत सुना इसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, क्या लगा है? दही खा लिया था, शायद वही भी लगा और बताया भी नहीं आपने ना मुझे। आप लोगों की आवाज़ सुनाई दी वो तो बता दीजिएगा आप मुझे, मेक श्योर कि आप लोगों तक इनकी वॉइस नहीं पहुंची होगी। मैं 1001% चीज़ें बोल रही हूँ, ठीक है। तो आज हो गया है संडे, उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग मूवी देखने गए थे, और क्या हुआ उस दिन था ना, मूवी देखने गए थे उस दिन क्या हुआ था हमारे साथ में बताओ। हमेशा की तरह कोई भी चीज़ का बिना प्लानिंग के चल दो, उसके बाद वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि कुछ भी नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू। और हमेशा यही होता रहा है, जब भी ज्योति के भरोसे हम कहीं पे जाते हैं कि चलो ठीक है चल दी, ये बोलती है यहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ कर देगी, बस ये भी निकल लो घर से। वहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि कभी रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट ही नहीं है, मूवी देखने जाए पता लगा वहाँ मॉल ही नहीं है, PVR ही नहीं है, जो भी सारी चीज़ें हैं बस ऐसे। फिर मेरा मूड ख़राब हुआ, मैंने कहा बस अब कहीं नहीं जाएंगे, चुपचाप वापस घर पे। घर पे जाने के लिए फिर एक इस वाले रास्ते से चल लो, बिना जाने समझे 15 मिनट घुमा दिया फालतू का, बस वही चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस दिन क्या हुआ कि हम लोग आए और सो गए, काफ़ी रात हो गया था, क्योंकि दूसरे दिन जाना था हमें मूवी, वो ऑफिस जाना था। फिर हो गया नेक्स्ट डे, आज संडे है, और मैं आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा मेरा बीमारी वाला हालत थोड़ी सी सी ख़राब है मेरी, और देख लेंगे आप लोग बस। लेकिन मोटी तो मैं हो रही हूँ यार, बीमार भी हूँ तब भी मैं मोटी, पता है आप लोग मानोगे नहीं, मैंने ना खाना खा ही नहीं रही हूँ 10 दिन से, खाना सिर्फ मैंने कर दिया है एक टाइम, मतलब सिर्फ ओनली रात को खाती हूँ, बहुत हल्का खाना खाती हूँ। कल से मैं शुरू कर दिया ऐसे, बोलो कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं, कल से शुरू कर दिया दही खाना और फ्रूट्स खाना, सैलड खाना, ये सब शुरू कर दिया है मैंने, कि हाँ कुछ आराम हो, तो देखो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ बनाने, आज काफ़ी टाइम हो गया है,
आप लोग सब कुछ शेयर नहीं करा मैंने, तो मैं जा रही हूँ बनाने मटर पनीर की सब्ज़ी, और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग हमारे साथ आइए और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कम बैक और मैं आज जा रही हूँ प्रयागराज। ये ब्लॉग मैं बीच में से स्टार्ट कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया था, बट आज मैंने उसी ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, जो बाकी क्लिप्स आपने देख चुके होंगे आप लोग अभी तक। बस कुछ काम आ गया मुझे कॉलेज का अर्जेंट, इस चक्कर में जाना पड़ रहा है। बस जा रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ प्रयागराज का झलक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई इलाहाबाद स्टेशन। सुबह के हो रहे हैं 7 बजे जो है ट्रेन पहुँचा देती है, और आप लोग देख सकते हैं मेरी शक्ल। रात भर मैं सोई नहीं हूँ, पूरी रात नहीं सोई क्योंकि ट्रेन में मुझे नींद नहीं आती है, क्या करूँ। ठीक है, तो बस आप जा रही हूँ भाई के पास, तबीयत तो ऐसे ख़राब थी। क्या बनाना? 10 का चना बना देना। अच्छा भाई, 15 वाला बना दो। भीड़ लगी हुई थी, फिर सोचा मैंने, हाँ दुकान भी बहुत भीड़ लगी हुई थी, फिर लगा शायद कोई अच्छा बनाएंगे भैया, तो फिर बस वही चना खाया। उसके बाद फिर तैयार होकर निकल गए कॉलेज के लिए इतनी धूप में, और फिर शाम के 4 बज गए, स्टेशन आ गए। यहाँ पे हमारी ट्रेन आ गई है वंदे भारत, अच्छी ट्रेन है वैसे, नॉट बैड, ऑन टाइम रहती है हमेशा, कभी लेट नहीं रहती है। देखो ओए, देख हाय कर चल।